नमस्कार, बड़ा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। देवास के नेमावर में आदिवासी नरसंहार के 6 महीने बीत जाने के बाद मामले में नया मोड़ आया है। परिवार की एकमात्र जीवित बची लड़की भारती कासरे ने न्याय यात्रा की चेतावनी दी तो शिवराज सरकार में हड़कंप मच गया। सरकार ने ताबड़तोड़ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। भारती का कहना है कि यह एकमात्र पड़ाव है, पूरा न्याय नहीं है। 1 जनवरी से न्याय के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। इसके पहले भी सरकार ने पीड़ित परिवार को 41 लाख रुपयों का मुआवजा दिया था। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। इसके बावजूद इस मामले में राजनीति नहीं थमी। भीम आर्मी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने वहां जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। वहीं सरकार के इस हत्याकांड की सीबीआई जांच के प्रस्ताव ने भी सभी को चौंका दिया है। विपक्ष घटना के बाद से ही सीबीआई की जांच की मांग कर रहा था। वहीं अब माना जा रहा है कि आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया। 2023 में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सरकार इस समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती है। नेमावर के आसपास आदिवासियों की आबादी अच्छी खासी है और इस घटना को लेकर उनमें काफी नाराजगी थी। खासकर नेमावर के पास खारगोन, हरदा, बांगली, खंडवा, खालवा और आस्टा में इस समुदाय की अच्छी संख्या है। वहीं भारती कासडे न्याय पाने के लिए 1 जनवरी से न्याय यात्रा निकाल रही है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 1 जनवरी को नेमावर से निकलकर 6 जनवरी को भोपाल के लिए पहुंचेगी। वहीं पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा नहीं पाई। वहीं देवास जिला में नेमावर में 5 आदिवासियों की हत्या की गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा भी नहीं पाई है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था तो पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया था, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीति भी खूब हुई थी। आरोपियों के संबंध प्रदेश के कुछ नेताओं के साथ भी सामने आ रहे थे। अब शिवराज सरकार ने करीब 6 महीने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला लिया है कि 13 मई 2021 को नेमावर से आदिवासी परिवार के 5 सदस्य ममता, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन लापता हो गए थे, जिसे लेकर थाने में शिकायत की गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे। वहीं 30 जून यानी घटना के 49 दिन बाद मेला रोड स्थित गड्ढे से 5 मानव कंकाल बरामद किए गए। इन्हें 8 फीट गहरे गड्ढे में काट दिया गया था। कंकाल मिलने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई। शव को गलाने के लिए नमक भी डाला गया था। वहीं हत्याकांड में खुलासा हुआ था कि मुख्य आरोपी सुरेंद्र केसरिया हिंदू संगठन का पदाधिकारी है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 5 लोगों की हत्या की और शव को खेत में दफना दिए थे। शव के मिलने के बाद से लेकर सियासी पारा बढ़ गया है। आरोपी सुरेंद्र पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के मोबाइल से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार के सकुशल होने की स्टेटस भी अपडेट करता रहा। हालांकि बार बार एक ही फोटो पोस्ट करने पर पुलिस को शक हुआ और पूरे मामले का 30 जून को खुलासा हो गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।